Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar, your tarot card reader and holistic life coach. Are you one of the people who are seeing the number 69 a lot? Like wherever you go, it's haunting you. आपको हर जगह ये नंबर दिख रहा है आपके यू नो बिल्स पर, आपके नंबर प्लेट्स पे, फोन पे, यू नो कहीं पर भी हो सकता है ये, मे बी आपके माइक्रोवेव पे, यू नो एनी प्लेस दिस नंबर इज जस्ट गोइंग ऑन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू डोंट नो वॉट इट मीन्स एंड क्या मैसेज आपको भेजा जा रहा है. सो दिस इज योर वीडियो एंड इन दिस वीडियो मैं आपको आज बताऊंगी कि क्या मैसेजेस, क्या साइंस यूनिवर्स आपको देना चाहती है इस नंबर के थ्रू. सो जब भी नंबर 69 की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए आपकी लाइफ के अंदर, आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है दैट आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है. ओके, सो टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बहुत सारे मीनिंग्स है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू सी कि आपकी लाइफ से कौन सा अप्लाई कर रहा है, किस सिचुएशन में आप हो एंड आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, बट येस, वन वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज दैट आई हैव ऑल्सो सीन विद दिस नंबर इज दैट चेंज इज अबाउट टू कम. आपको बोला जा रहा है लाइक आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर, बहुत मैसिव चेंज आने वाला है. ओके, जो भी कुछ ओल्ड है, जो भी कुछ पास्ट है, उस वो चीजें आर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन. इट्स द एंड ऑफ अ साइकिल एंड द बिगनिंग ऑफ अ न्यू वन. ये आपको तब बताया जाता है जब ऐसा होने वाला होता है, यू आर इन द मिडल ऑफ दैट ट्रांजिशन, या आपको अवेयर करवाना चाहती है यूनिवर्स. ठीक है, नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम जब भी कुछ खत्म होता है, दैट्स वेन समथिंग न्यू स्टार्ट्स. ओके, सो फॉर ऑल ऑफ यू जो बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, फॉर ऑल ऑफ यू जो एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं, ये आपके लिए एक गुड न्यूज है दैट आपका टाइम चेंज होने वाला है. येस, समथिंग न्यू इज अबाउट टू बिगिन बिकॉज यू आर इन द मिडल ऑफ दैट ट्रांजिशन. ठीक है, अब इसकी जो सेकेंड मीनिंग है दैट इज, ये नंबर आपको तब इतना ज्यादा दिखना शुरू कर जाता है जब आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड आप चाह रहे हो कि चीजें चेंज हो, बहुत स्टैग्नेंसी आ गई है या एक चीजें अच्छी लेवल पर नहीं अगर चल रही थी आपके पार्टनर के साथ, सो वहां पर चेंज आएगा. मे बी थिंग्स, मे बी वो बोथ पार्ट योर वेज, या फिर चीजें एकदम से बन जाए, बट कुछ ऐसा होगा जहां पर चेंज आएगा, एक शिफ्ट आएगा एनर्जीज का. ठीक है, बहुत लोग ऐसे सिचुएशन में, ऐसे टॉक्सिक साइकिल्स में स्टक हो जाते हैं और निकल नहीं पाते और वेट करते रहते कि कब यू नो कब कुछ आगे बढ़ेगा, कब कुछ चेंज होगा. सो दिस इज दैट इंडिकेशन कि हाँ, अब जाके चीजें जो है आपकी लाइफ में चेंज होंगी. दिस इज द टाइम योर रिलेशनशिप विल ऑल्सो चेंज. अगर अच्छा चल रहा था एंड फिर आपको ये नंबर दिख रहा है, देन इट इज द मीनिंग दैट इट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. यहाँ पे ग्रोथ होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एवोल्यूशन होगा इस रिलेशनशिप का. ठीक है, दोज ऑफ यू हु आर सिंगल, जो यहाँ पर सिंगल लोग हैं, आप लोगों का 69 बार बार देखना, अगर मैं लव के सेंस में बात करूं, रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम के सेंस में बात करूं, एक सोलमेट के एस्पेक्ट से बात करूं, तो आपको बोला जा रहा है दैट यू आर अबाउट टू मीट योर डिवाइन काउंटर पार्ट. आपकी जिंदगी में जो अब पर्सन आने वाला है, जिससे आपकी मीटिंग होने वाली है, वो आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा. ठीक है, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपको अवेयर करवाया जा रहा है दैट अपनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आओ. ओके, गेट ग्राउंडेड, स्टार्ट डूइंग योर मेडिटेशंस, कनेक्ट एंड बी बैलेंस्ड, बिकॉज द पर्सन नाउ इज गोइंग टू एंटर इन टू योर लाइफ विल बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट. ठीक है, ये एनर्जी रखता है नंबर 69, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू नो द ट्विन फ्लेम्स, फॉर द सोलमेट्स, फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर लव एज वेल इन देयर लाइफ. ठीक है, कहीं ना कहीं नंबर 69 हमें ये भी बताता है दैट आपको स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज करना है और आगे बढ़ना है ऑप्टिमिज्म के साथ. ठीक है, अगर ऐसा आपको लाइफ में लग रहा है कि हाँ, हम बहुत नेगेटिव साइकिल्स और पैटर्न्स में जा रहे हैं, हम हेल्दी वे में लाइफ को नहीं लीड कर पा रहे हैं, तो ये एंजल्स आपको नंबर दिखाते हैं बताने को कि दिस इज द वे टू गो. ये आपको करने की जरूरत है, अपने आप को बैलेंस में लेकर आइए. ठीक है, बिकॉज नंबर 69 को जब भी हम देखते हैं, टॉक्स अबाउट बैलेंस, इट टॉक्स अबाउट हार्मनी, इट टॉक्स अबाउट यू नो ट्यूनिंग इन टू द राइट फ्रीक्वेंसी एंड दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ. सो जब भी आप इस नंबर को देखो, बैलेंस लाने की जरूरत है आपको अपनी लाइफ के अंदर. ओके, एंड डू दिस थ्रू योर मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस. ठीक है, डेली बेसिस पे अपने चक्रास पे वर्क करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट कमिंग इनटू दैट यू नो बैलेंस स्टेट, बैलेंस्ड एनर्जीज, एंड यू विल गेट दैट अलाइनमेंट विद स्पिरिट एज वेल, विच इज व्हाट यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर. बट येस, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन कि कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में. गेट प्रिपेयर्ड, बी रेडी, कुछ आपको रिलीज करने की जरूरत है, रिलीज करो, मेक स्पेस, बिकॉज थिंग्स आर अबाउट टू चेंज एंड थिंग्स आर अबाउट टू एंटर इनटू योर लाइफ. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू
let me know in the comment section. You can share your reviews, you can share your feedback so that I can bring you a lot more such videos. Agar ye informative lagi to please like, share and subscribe. And I love all of you guys. I will see you next time. Thank you so much for joining in.